विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में विश्व कल्याण व विश्व शांति के लिए 9 दिन से चल रहे माघ मास गुप्त नवरात्रों का विधिवत पूर्णाहुति के साथ समापन किया गया। विधायक संजय रत्न ने भी यज्ञशाला में हवन की आहुतियां डाली और पूर्णाहुति दी। पुजारी अविनेन्द्र शर्मा ने बताया कि इन गुप्त नवरात्रों में गणपति, गायत्री, बटुक, भैरव और ज्वालामुखी मूल मंत्र का लाखों की संख्या में जप किया गया। इसके साथ दुर्गा सप्तशती के शतपाठ भी किए गए और दशांश हवन यज्ञ करके पूर्णाहुति के साथ सभी जप पाठ का समापन किया गया। मास में और अषाढ़ मास में अपना यज्ञ पूजन कर सकते हैं। ये बड़े ही दिव्य दिन होते हैं। इसमें किया हुआ जप तप यज्ञ बड़ा ही पुण्य फलकारी होता है, क्योंकि इसमें हमारा नव वर्ष का प्रारंभ होने वाला होता है और ऋतु जो है वो बड़े ही सुगम होती है, ना ज्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है। तो इस समय हमको पंचांग के रूप में जप तप यज्ञ होम इत्यादि करने से हमारे सनातन में जो कहा गया, इससे हमारे को यज्ञ का बल मिलता है और नियम और नियम के रहने के अनुष्ठान करने से शक्ति प्रदान होती है और बच्चों के अच्छे संस्कार मिलते हैं। विधायक संजय रत्न ने नवरात्रों के समापन के लिए सभी का धन्यवाद किया और विश्व के कल्याण के लिए माता से प्रार्थना की। आज जो है वो गुप्त नवरात्रों में जो हमने जो है वो ज्वाला माता जी के चरणों में पाठ रखा था विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए, वो संपूर्ण हुआ और हमने जो है वो सभी ने मिलकर जो है वो पूर्णोति डाली। यहाँ पे सभी ने जो है वो आहुतियाँ डाली और विश्व कल्याण के लिए माँ से प्रार्थना की। माँ का आशीर्वाद, ज्वाला माँ का आशीर्वाद जो है पूरे समाज के ऊपर रहे, पूरे विश्व के ऊपर रहे और विश्व जो है वो तरक्की करे, सुख शांति रहे, सबके घर में मंगल कार्य हो, ऐसी माँ ज्वाला से मैं प्रार्थना करता हूँ।